नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा यशके के अर्थ के इस खास चैनल में आज लेके आया हूँ एशियन ओपन बिल स्टार्क पक्षी के विषय में कुछ रोचक व उपयोगी जानकारी। मित्रों, एशियन ओपन बिल स्टार्क एक बड़े आकार का सुंदर पक्षी है। इसका आकार बगुले से बड़ा तथा सारस से छोटा होता है। इसके पंख काले सफेद रंग के होते हैं। यह पक्षी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इसके अलावा यह पक्षी चीन, थाईलैंड, वियतनाम, रूस आदि देशों में भी पाया जाता है। यह एक मांसाहारी पक्षी है जो अक्सर जलाशयों तथा धान के खेतों आदि में विचरण करता रहता है तथा मछली, बड़े कीट, घोंघा आदि को खाता है। इनके द्वारा घोंघा को फोड़ फोड़ कर खाने वाली आदत के कारण भारत के स्थानीय लोग इसे घोंघिल पक्षी या घोंगल्या फोड़ा भी कहते हैं। यह खूबसूरत व बड़ा पक्षी एवीज वर्ग के कुल सिकोनिडी का सदस्य है तथा इसका वैज्ञानिक नाम एनास्टोमस ओसिटेंस है। घोंघिल जीवन में सिर्फ एक बार अपना जोड़ा बनाते हैं और जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हैं। किसी एक साथी के मरने के बाद ही वो दूसरा जोड़ा बनाते हैं। यह अक्सर प्रजनन जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई तक करते हैं और ये अपने घोंसले ऊंचे ऊंचे वृक्षों जैसे पीपल, बरगद, इमली, यूकेलिप्टस, बबूल आदि में रखते हैं तथा मादा उनमें सफेद रंग के 4-5 अंडे देती है। कुछ दिनों बाद उन अंडों से भूरे काले रंग के चूजे निकलते हैं। ये चूजे 3 माह में पूरी तरह वयस्क हो जाते हैं तथा अपने झुंड के साथ उड़ने लगते हैं। प्रजनन के समय इनके पंख ज्यादा चमकीले तथा टांगे गुलाबी रंग की हो जाती हैं और प्रजनन क्रिया के बाद इनके पंख कुछ धूसर रंग के हो जाते हैं। इस खूबसूरत पक्षी के भी दिन अब अच्छे नहीं चल रहे हैं। विगत 2 दशकों से इनकी संख्या में भी काफी कमी आई है, जिसका प्रमुख कारण है पेड़ों की कटाई, तालाबों व जलाशयों का अतिक्रमण तथा मानवों द्वारा मांस के लिए इनका शिकार।